फटाफट खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रुद्रप्रयाग से आ रही है बड़ी खबर, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ी से बोल्डर आए हैं, पत्थर गिरे हैं, जिसके बाद हादसे की जानकारी मिल रही है। बोल्डर की चपेट में आने से 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दर्दनाक हादसा, 3 श्रद्धालुओं की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। एक श्रद्धालु की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, चिरबाटिया के पास ये हादसा हुआ है। संदीप प्रसाद हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। संदीप, ये हादसा पहाड़ी से पत्थर बोल्डर नीचे आए हैं उसके बाद हुआ है, 3 श्रद्धालुओं की जान जाने की पुष्टि की गई है जबकि एक घायल है, ये पूरी जानकारी दीजिए, इस समय के ताजा अपडेट्स भी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये घटना आज सुबह की है और जो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग है उस पर चिरभाषा में ये घटना हुई है और बताया जा रहा है कि वहाँ जो पहाड़ी से बोल्डर और मलमा आने के चलते की घटना हुई है और इसकी चपेट में आने से जो 3 श्रद्धालु थे उनकी मौके पर ही वहाँ पर मौत हो गई और एक श्रद्धालु वहाँ पर घायल हो गया, जिसको तुरंत ही वहाँ पर जो DDRF है और SDRF की टीम द्वारा उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है उपचार के लिए। और अभी जो अभी घटना है उसमें जो 3 लोगों की डेथ हुई है उनकी उनके शवों को निकाला जा रहा है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो अभी बरसात का जो सीजन है तो केदारनाथ जो पैदल मार्ग है कई जगहों पर वहां पर डेंजर जोन है, कई जगह वहां पर बरसाती नाले जो है वो उफान पे आ जाते हैं और कई जगह पर स्लाइडिंग जोन है, जिसके चलते अक्सर कई बार बरसात के दौरान ऐसे हादसे हुए हैं और आज यही वजह है कि वहां पर बोर्डर गिर गए और जो उसकी चपेट में श्रद्धालु आ गए, 3 श्रद्धालु की वहां पर दर्दनाक मौत हो गई। जी शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए।